नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मंटो का ट्रेलर रिलीज हुआ है दोस्तों। यकीन मानिए, अभिनय किसी की जागीर नहीं, ये फिर एक बार नवाजुद्दीन ने साबित किया है। फिल्म में नवाजुद्दीन फेमस उर्दू राइटर सादत हसन मंटो की भूमिका निभा रहे हैं। ये वही राइटर थे जिन्होंने बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और टोबा टेक सिंह जैसी कहानियां लिखी और लोगों के दिलों में बस गए। ट्रेलर में हमने देखा कि नवाज को अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्हें सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वे महिलाओं को लेकर काफी कुछ अपनी कहानियों में लिखते रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि महिलाओं को लेकर मंटो की सोच गंदी है और वे अपनी किताबों और कहानियों में अश्लीलता की मौजूदगी ज्यादा दिखाते हैं। यही वजह है कि मंटो को 6 बार अदालत भी जाना पड़ा था। इनमें से 3 बार पाकिस्तान बनने से पहले उन पर केस हुआ और 3 बार विभाजन के बाद। हालांकि उन पर एक भी बार मामला साबित नहीं हो पाया। मंटो की कई कहानियों का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। फिल्म में बंटवारे का दर्द भी नजर आएगा क्योंकि मंटो की लेखनी इसी दौर की है। ट्रेलर में नवाज मंटो की भूमिका में जम रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी हर मौके पर गजब ढा रही है। नवाज का अभिनय देखने के बाद पता चला कि गंभीर राइटरों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। आनंद सा तब आ गया जब हमने मंटो फिल्म के ट्रेलर में ऋषि कपूर, परेश रावल और जावेद अख्तर की मौजूदगी देखी। ये तीनों ही अहम किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा नवाज की पत्नी की भूमिका में रसिका दुग्गल नजर आ रही हैं। फिल्म का डायरेक्शन नंदिता दास ने किया है। ये फिल्म 21 सितंबर के दिन रिलीज हो रही है। मंटो फिल्म के ट्रेलर को लेकर हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमें सब्सक्राइब भी करें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मंटो का ट्रेलर रिलीज हुआ है दोस्तों। यकीन मानिए, अभिनय किसी की जागीर नहीं, ये फिर एक बार नवाजुद्दीन ने साबित किया है। फिल्म में नवाजुद्दीन फेमस उर्दू राइटर सादत हसन मंटो की भूमिका निभा रहे हैं। ये वही राइटर थे जिन्होंने बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और टोबा टेक सिंह जैसी कहानियां लिखी और लोगों के दिलों में बस गए। ट्रेलर में हमने देखा कि नवाज को अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्हें सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वे महिलाओं को लेकर काफी कुछ अपनी कहानियों में लिखते रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि महिलाओं को लेकर मंटो की सोच गंदी है और वे अपनी किताबों और कहानियों में अश्लीलता की मौजूदगी ज्यादा दिखाते हैं। यही वजह है कि मंटो को 6 बार अदालत भी जाना पड़ा था। इनमें से 3 बार पाकिस्तान बनने से पहले उन पर केस हुआ और 3 बार विभाजन के बाद। हालांकि उन पर एक भी बार मामला साबित नहीं हो पाया। मंटो की कई कहानियों का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। फिल्म में बंटवारे का दर्द भी नजर आएगा क्योंकि मंटो की लेखनी इसी दौर की है। ट्रेलर में नवाज मंटो की भूमिका में जम रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी हर मौके पर गजब ढा रही है। नवाज का अभिनय देखने के बाद पता चला कि गंभीर राइटरों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। आनंद सा तब आ गया जब हमने मंटो फिल्म के ट्रेलर में ऋषि कपूर, परेश रावल और जावेद अख्तर की मौजूदगी देखी। ये तीनों ही अहम किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा नवाज की पत्नी की भूमिका में रसिका दुग्गल नजर आ रही हैं। फिल्म का डायरेक्शन नंदिता दास ने किया है। ये फिल्म 21 सितंबर के दिन रिलीज हो रही है। मंटो फिल्म के ट्रेलर को लेकर हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमें सब्सक्राइब भी करें।